और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है बाड़मेर के एक पोलिंग बूथ पर 8 मई को बता दें दोबारा से मतदान और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया मतदान। मतदान दल के 4 सदस्यों को निलंबित किया गया। चौठन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 50 पर रीपोलिंग और मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की जाएगी। वोटिंग के दिन भंग हुई मतदान की गोपनीयता, इसकी शिकायत के बाद निर्वाचन विभाग ने दिल्ली भेजा मामला। आयोग की मंजूरी के बाद होगी रीवोटिंग। सीईओ प्रवीण गुप्ता ने बताया 4 कार्मिकों को किया गया निलंबित। 26 अप्रैल को वोटिंग कराने वाला मतदान दल निलंबित हुआ है। वेबकास्टिंग वेंटर के प्रतिनिधि के खिलाफ भी होगी कानूनी कार्यवाही। वही मतदान की गोपनीयता भंग करने के मामले में होगी कार्यवाही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भूपेश आचार्य फोन पर बन गए। भूपेश, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि इसकी शिकायत आई थी। शिकायतों जब जांच की गई तो इन लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके तहत ये तय किया गया कि जो शिकायतें आई वो सही पाई गई, और सही पाए जाने के बाद इनका उस बूथ का जो मतदान था उसको पुनः करवाने के लिए 8/5 का डेट मुकर्रर किया गया। और 8/5 को बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और अतिरिक्त सुरक्षा बल और सभी तरीके के सुरक्षा इंतजाम के साथ एक बार पुनः मतदान किया जाएगा। किसी भी बूथ में किसी भी चीज को लेके जो अनियमितता वगैरह हो, इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए अब एक बूथ पे दोबारा मतदान किया जाएगा। इसमें जो भी दोषी कर्मचारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की कह दी आदेश दे दिए गए, और फिलहाल 8 तारीख को प्रशासन ने एक बार फिर इस बूथ पे मतदान करने की तैयारियां पूरी कर ली गई। ठीक है भूपेश, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी शशिमोहन शर्मा भी हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए बन गए हैं। शशि, किस तरह से देखा जाए कि देखिए एक बार फिर से वहां पर वोटिंग हुई और गोपनीयता का ख्याल नहीं रखा गया, 4 कार्मिकों को निलंबित करना पड़ा, एक बार फिर से वोटिंग की तैयारी हो रही है। खुशबू सीमावर्ती इलाका है जहाँ एकमात्र ऐसी सीट जहाँ पर थोड़ी झड़प जैसी खबरें आई थी बाड़मेर जैसलमेर से, वहां पर अब ये री वोटिंग होगी। और बूथ संख्या 50 चौहटन विधानसभा क्षेत्र का दुधरवा गांव है, दुधवा खुर्द गांव है, यहाँ पर मतदान की गोपनीयता भंग होना, यानी जो वेबकास्टिंग है उसके जरिए और वहां मौजूद लोगों के जरिए मतदान की गोपनीयता भंग हुई, किसने किसको वोट दिया ये पता चला। और इससे आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी रंजिश पनप जाती है, राजनीतिक रंजिश पनप जाती है, जिसका ध्यान वोटिंग की गोपनीयता इसीलिए रखी जाती है। दरअसल जब ये मामला आया तो इसकी शिकायत मिलने के बाद में भारत निर्वाचन आयोग को पूरा मामला भेजा गया। आयोग की पुष्टि के बाद, आयोग के निर्देश के बाद यहाँ पर पुनर्मतदान होगा। 8 मई को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक यदि पोलिंग होगी, और इस मामले में जो पूरी पोलिंग टीम थी जिसमें 4 लोग होते हैं पीआरओ सही, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और ये सस्पेंशन की कार्रवाई तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर की गई है, एडीएम की तरफ से की गई है, लेकिन आयोग की मंजूरी के बाद ये कार्रवाई की गई है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे कि जो वेबकास्टिंग का वेंडर था उसके प्रतिनिधि के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और गोपनीयता भंग करने के लिए जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। शशि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेश आचार्य, तमाम जानकारी के लिए साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।